सच साहस सरोकार। नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने वर्तमान सरकार की आलोचना की, निर्वाचन आयोग में बीपीएससी में सरकार का एकाधिकार। ट्रेनी डीएसपी को दी गई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जानकारी, पुलिस एकेडमी सूबेदार के पांडे रहे उपस्थित। दहेज से प्रताड़ित विवाहिता ने की आत्महत्या, ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। अधिकारी के बर्खास्तगी को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस दाग प्रदर्शनकारियों पर पाया काबू। विश्व एड्स दिवस पर सिविल सर्जन ने निकाली रैली, एचआईवी के प्रति किया जागरूक। के साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर वर्तमान सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर सीएम नीतीश कुमार का एकाधिकार है। साथ ही कुढ़नी उपचुनाव को लेकर कहा कि नीतीश सरकार जनता के साथ धोखा किया, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। कैसे मिला, पहला मैं आरोप लगा रहा हूं। तो उनको पहले आदरणीय पिताजी से जाके पूछना चाहिए था कि लालू जी की उत्पत्ति कैसे हुई, 90 में मुख्यमंत्री कैसे बने, कोई कांग्रेस के सपोर्ट से बने थे क्या? यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने अपना समर्थन देके लालू जैसे लोगों को गद्दी पर बैठाया, और सिर्फ लालू जी को नहीं बैठाया, नीतीशो जी को बैठाया। आज बड़े बड़े नेता ये लोग जरूर हो गए क्योंकि भाजपा ने इनकी उत्पत्ति की है, ये बड़ा स्पष्ट जान लीजिए। तेजस्वी यादव जी तो बिहार पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही ट्रेनी डीएसपी का एक जत्था शुक्रवार को बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने चिकित्सक की मदद से शव उठाने से पहले और पोस्टमार्टम के बाद की सारी प्रक्रिया जानकारी हासिल की। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त व लावारिस शवों को किस परिस्थिति में और कैसे उठाए, बॉडी उठाने के पहले पूर्ण निरीक्षण करें, शव किस हालात में है, अगल बगल छानबीन कर साक्ष्य जुटाएं, आसपास के लोगों से जानकारी हासिल कर ताकि उसे आधार पर आगे की कार्यवाही की जा सके। पुलिस एकेडमी के सूबेदार के पांडे ने बताया कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जानकारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, केस के अनुसंधानों में मदद मिलती है। धरनास्थल पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2 सालों से माफियाओं को कृषि पदाधिकारी संरक्षण दे रहे, आधे दर्जन से अधिक अवैध गोदामों को पिछले साल भी सील किया गया, इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस साल भी जिले के दर्जन अवैध गोदामों में खाद भरा हुआ है और किसानों को दोगुनी कीमत में लेना पड़ रहा है। जो भी सरकारी दुकान है वहां पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और अवैध दुकानों में खाद को बेचा जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी को बर्खास्त करने की प्रदर्शनकारियों ने मांग की। इस दौरान पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग कर काबू पाने की कोशिश की। बाजारी जो हो रहा था, जिसको मधुबनी सदर एसडीओ साहब ने जांच करके छापामारी करके उन लोगों को पकड़ा, पकड़ने के बाद हड़कंप मचा, हड़कंप मचने के बाद जो खाद कालाबाजारी करने वाले दलाल लोग थे, जिला कृषि कार्यालय के माध्यम से जो दलाली चल रहा था, उन दलालों के बीच में सुगबगी हुआ और एसडीओ साहब के खिलाफ में आंदोलन किया। हम किसान लोग, पूरे जिला के किसान, हम लोग इस बात को समर्थन कर रहे हैं। एसडीओ साहब का जो मैंने मामला है, निश्चित रूप से जनता के समर्थन में, जनता के सहयोग में उन्होंने काम किया है, इसीलिए हम लोग समर्थन करते हैं। और जिला कृषि पदाधिकारी और जो कृषि कार्यालय में जो दलाल हैं, जो दलाल के द्वारा काम हो रहा है, कुमार जी सराहे हुए हैं, तब से मधुबनी नगर का क्रियाकलाप बदल चुका है। चाहे जितने भी भूमाफिया हो, अतिक्रमणधारियों हो, उसके बाद जितने भी विभागीय जो प्रशासन हो के प्रशासन पर कार्रवाई,
जिला कृषि पदाधिकारी जो किसानों का अहित वो माफिया वो भ्रष्ट के खिलाफ जो कार्रवाई किए हैं उसके लिए हम लोग तमाम मधुबनी नगरवासी किसान वासियों एवं जिला के जितने भी तमाम समाज सेवी हैं उनके समर्थन में आज हम लोग आए हैं। किनके समर्थन में? एकदम सदर SDO अश्वनी कुमार जी के समर्थन में, जो ऐसे हमारे जिला मधुबनी नगर में प्रशासन आए जिनकी ये कृति है जो हम लोग को बहुत अपने आप में सौभाग्यशाली मान रहा है कि जिला का कोई भू माफिया हो, कोई अतिक्रमणधारी हो या कोई भ्रष्ट अधिकारी हो जिस पर वो अविलंब कानूनी कार्रवाई। किसान DAP खरीद रहा है 50 रुपये किलो, यूरिया बिक रहा है 20 रुपया 25 रुपया किलो। कहिए किसान, गेहूं बुआई का समय है, किसान तो रोड पर बउआ के मर जाएगा। आई मार रहा है कौन था? जिला कृषि पदाधिकारी। जितना जिला का खाद का होलसेलर है सबके पास स्टॉक है, अभी जांच हो जाए फिर स्टॉक होगा इसके पास। और सारा पार कुंडली मार के बैठा है और ब्लैक मार्केटिंग से पूरा खाद बेचवा रहा है, और कोई दोषी नहीं है, सब दलाल रखे हुए जिला कृषि पदाधिकारी। इस सारा स्टॉक को कुंडली मार के बैठा हुआ है, इस सारा खाद को गोदामे सी। नवादा के बुंदेलखंड थाने के पुलिस ने गश्त के दौरान एक शराबी व्यक्ति को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए विदेशी शराब 1100 रुपए में खरीदी थी। पुलिस अधिकारियों ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के आदेश जारी किए। मंगवा करके एगो लड़का ला के दिया, उन्हें उसी में MD मोदी खान एगो सिपाही थे, एगो और को सिपाही थे, वो आ रहे थे। तो हम सोचे कि टेम्पू पकड़ बैठ जाएंगे, बगल में गाड़ी उड़ी नहीं था, तो जब खोसे ना तो खोजते हुए देख लिए, तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से धर लिए। तो उठने में हम सोचे कि पटक दें क्या करें, तो उठने में धर लिए। तो फोन कर दिए बुलखंड थाना। उठने में आया उसके बाद बाइक पर बैठा करके टाउन थाना हमको पहुंचा दिए। नालंदा के NH 431 हरनौत सह सोहरा मार्ग पर अनियंत्रित टेम्पो पलटने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख प्रदर्शन किया। थानाध्यक्ष देवानंद शर्मा ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, परिजनों को मुआवजे का आश्वासन भी दिया। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां महुई पंचायत में विधायिका भागीरथी देवी के सौजन्य से नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बरसात के पानी से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए नाले का निर्माण कराया गया। नाला निर्माण के कार्य से स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। बात हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम TV पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है ओझल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू।
खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं खबर की ओर। नवादा के उसी गांव में दहेज प्रताड़ित महिला ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या की। मृतक के परिजनों ने बताया कि ससुराल पक्ष मारपीट कर दहेज की मांग करते थे। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए। नालंदा के अली नगर गुनावा रोड पर दो बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। शान फिल्म अभिनेता सागर इंडिया का शहर आगमन पर प्रजातंत्र चौक पर प्रशंसकों ने माला और अबीर गुलाल लेकर भव्य स्वागत किया। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर देश में चर्चित सीरीज है। फिल्म में शेखपुरा जिले की कहानी है और नवादा के जेल को भी दर्शाया गया। अभिनेता सागर इंडिया ने कहा कि सपने देखना और उसे पूरा करना कड़ी मेहनत के कारण संभव होता है। सपने देखे और उसे जरूर पूरा कर सके। साथ ही जिले वासियों का भव्य स्वागत पर उनका शुक्रिया। गुलशन सिंह माही, राज अनुराधा पंडित समेत कई लोग मौजूद थे। किया जा रहा है प्रजातंत्र चौक पे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नेटफ्लिक्स जो है ओटीटी देश का बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है और उस पे मेरी फिल्म रिलीज हुई है खाकी द बिहार चैप्टर और उसमें मैंने बतौर अभिनेता के रूप में काम किया है। तो इसलिए नवादा के जितने भी लोग हैं वो गौरव महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि नवादा से निकल करके नेटफ्लिक्स तक पहुँचना, नवादा से निकल करके बॉलीवुड जैसे बड़े जगह में कदम रखना और उसमें काम करना। तो इसलिए सारे लोग खुश हैं और नवादा के लोगों की बधाइयां से तो मैं इतना खुश हूं कि मेरा व्हाट्सएप जो है वो पूरा। बक्सर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दो चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। बक्सर नगर निकाय चौसा और ब्रह्मपुर में 18 को मतदान है। डुमराव नगर निकाय, इठाड़ी नगर निकाय के लिए कोई निर्देश जारी नहीं हुए। साथ ही बताया कि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार और वाहन माइक प्रयोग से पूर्व अनुमति अनिवार्य है। मतदान होगा उसकी तैयारी हम लोगों की जो मूलभूत तैयारी थी वो पहले की जा चुकी थी और चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है कि जहाँ तक तैयारी हो चुकी थी कि उससे आगे बढ़ना है। यानी हम लोगों ने सिंबल अलॉट कर दिया था तो जो सिंबल अलॉटेड है वो मान्य रहेगा। यानी जो भी प्रत्याशी जिनको जो सिंबल मिला था उसी पे वो चुनाव लड़ेंगे। कल की घोषणा के बाद से चुनाव आचार संहिता भी प्रवृत्त हो गई है और अब जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिल गई है, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हमारी तरफ से चुनाव आचार संहिता लागू। बेतिया के बछौलिया थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर वारंटी अपराधी और नशेबाजों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एड्स दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नोडल पदाधिकारी डॉक्टर नागमणी सिंह ने बताया कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में अशिक्षा और असावधानी के कारण एचआईवी संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर नागमणी सिंह ने कहा कि एड्स संक्रमण में पूर्वी चंपारण जिला बिहार में दूसरे स्थान पर है। जिले में 4,700 एड्स के मरीज जिन्हें सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाओं के साथ प्रवेश योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमा आर्थिक सहायता, साथ ही एड्स संक्रमित बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह सहयोग राशि दिए जाने की जानकारी दी। सामाजिक लेवल पर अगर ये अवेयरनेस नहीं हुआ तो ट्रांसमिशन को जब तक हम लोग इनिबिट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट करके और हेल्थ लेवल पे जो हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट्स उनको सिर्फ समझा के नहीं इस पे काबू पा सकते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको कंट्रोल करने के लिए हर तबका के लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए और इसको कैसे इन्फेक्शन को रोका जाए। अगर नया इन्फेक्शन को हम लोग रोक नहीं पाएंगे तो ये एड्स के मरीजों की संख्या को भी बढ़ने से हम लोग रोक नहीं पाएंगे। यही मैसेज है कि सारे लोग अवेयर हो जाएं, जो भी फैसिलिटीज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है उन सारी सुविधाओं का ज्ञान हर जनमानस को हो और उसका लाभ उठाएं और अवेयर रहें।
बेतिया के रामनगर डाक बंगला की जिला परिषद की जमीन पर अवैध रूप से चल रही सब्जी बेचने की दुकान को लेकर नगर परिषद के पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी, जिला परिषद अध्यक्ष निर्भय महतो और उपाध्यक्ष अमर यादव ने जमीन पर सब्जी की दुकान लगा दुकानदारों को अवैध संचालन के प्रति जागरूक किया। कुछ दुकानदारों ने जमीन को लीज पर लेने की जानकारी दी। जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि काफी समय से लीज के कागज को रिन्यू नहीं कराया गया, जिसके चलते लीज को निरस्त कर दिया गया। इस दौरान जिला पार्षद विजेंद्र राम, मिथिलेश हजरा समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। अच्छा, मैं पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद और वर्तमान वित्त अंकेक्षण योजना समिति का मेंबर हूँ और उसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और बाकी हमारे जिला पार्षद हैं और कमेटी के मेंबर। हम लोग रामनगर के धरती पे हैं जहाँ जिला परिषद की जमीन है और इस जमीन को अभी आपके कैमरे के नज़र में देखा जा रहा है कि अतिक्रमण किया जा रहा है या गरीब व्यक्तियों के द्वारा सब्जी मंडी हाउस के रूप में इसको लगाया जा रहा है, जो अनुचित है, इसलिए कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा उनको दिया गया नहीं है। चंपारण के पंचेरवा पंचायत के मुखिया बार बालाओं के साथ स्टेज पर भोजपुरी गाने पर ठुमका और बार बालाओं के साथ मस्ती करते मिले। पंचायत मुखिया का नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अभी तक पुलिस अधिकारियों ने पंचायत मुखिया पर कोई कार्यवाही नहीं की है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज में दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन बीएड के सहायक प्राध्यापक अतुल कुमार ने नेतृत्व में किया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों और उपस्थित लोगों को एचआईवी के संबंध में जागरूक किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और छात्रों ने भाषण माला के साथ पोस्टर मेकिंग इवेंट में भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, बनी रहिए हमारे साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ टाइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है आपका, बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा के कुलगांव में बदमाश धान की खेती को जबरन काट रहे थे। बदमाशों को धान काटने से मना किया गया तो मारपीट के बाद फायरिंग की। हमले में पीड़ित पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पक्ष ने बताया कि बदमाश कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ, धान काटने से मना किया तो मारपीट करने लगे। थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई, जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुबह जैसे
अपने घर के पीछे गया तो देखा कि हमारे खेत में धान काट रहा था, ढो रहा था। मना करने पर मारा पीटी शुरू किया, गोली चलाई। एक गोली साइड से गया, एक गोली पैर के पास से गया। मेरा पैर पर हमला किया कृष्ण सिंह, रवि कुमार, पवन कुमार, दो आदमी और था जिसका नाम नहीं जानते, चेहरा तो पहचान जाएंगे। तो पहले से भी अदावत था क्या? पहले से भी उसके खिलाफ सन्हा डाले हुए हैं, कोर्ट में भी डाले हुए हैं, थाना। अवैध खाद गोदाम में छापेमारी के दौरान एसडीओ अश्विनी कुमार ने जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार से कहा सुनी हो गई। जिला कृषि विभाग के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर एसडीओ की बर्खास्तगी के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि एसडीओ के मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी जब्त कर लिया गया है। कर्मचारियों ने एसडीओ के बर्खास्तगी की मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। हमारे संवर्ग पद के, हमारे विभाग के यहाँ जितने लोग बैठे उनके संवर्ग के ही, उनके ही बराबर के, वो अपने से वरीय पदाधिकारी पर हाथ चलाते हैं और ऐसी शिकायत पहली बार नहीं है। यहाँ चुनाव में उन्होंने शिक्षकों पर हाथ चलाया है, कितनी बार आम राहगीर को पीटा है। ये सीधे सीधे शक्ति का दुरुपयोग है और ये पिछले पंचायत चुनाव में भी जी प्रतिनिधियों के ऊपर हाथ चलाए थे। ये आप लोग अच्छे से विदित है, कई वीडियो वायरल हुआ साहब के, बिल्कुल ये इनकी आदत में शुमार है बार बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना और इसी की आज अतिशयोक्ति है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हाथ चलाते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ये इनके आदत में शुमार है। बेतिया के भोलापुर खारहाट में अवैध माइनिंग स्थल पर एडीएम अनुपमा सिंह और एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने छापा मारकर बड़ी संख्या में बालू लदे वाहन, 15 से अधिक ट्रॉली और ट्रैक्टर जब्त किए। खनन माफिया छापेमारी के दौरान मौके से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने माइनिंग ऑफिसर को सूचित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। छापेमारी किए, पता चला कि अवैध खनन हो रहा है। इसमें काफ़ी संख्या में हम लोगों को टाली मिला। ऐसा लगा कि रास्ते में उन लोगों का कोई आदमी होगा जो सूचना दे दिया हम लोगों के गाड़ी के आने का और वो लोग इंजन काट कर भागे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 के आसपास में, अभी तो काउंटिंग हो रहा है, निकाला जा रहा है। जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन उच्च विद्यालय में जिलाधिकारी ने गुब्बारा गुच्छ उड़ाकर शुभारंभ किया। जिला प्रशासन ने 50वें स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई दी और दीप जलाकर उत्सव की तरह मनाने की अपील की। साथ ही विकास मेले में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्टॉल लगाकर देने की पहल की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चे के खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। के माध्यम से हमेशा बताते रहते हैं कि कौन सी योजना चल रही है। जैसे अभी हम लोग का पंचायत सरकार भवन टॉप पे है, सोलर स्ट्रीट लाइट है, ये है कुओं का जीर्णोद्धार जो सार्वजनिक कुआ है उसका हम लोग करा रहे हैं। तो पंचायत स्तर पे तो अभी हर जगह आरटीपीएस सेंटर चल रहा है, बहुत जगह जो अभी भवन नहीं है फिर भी हम लोग जो भी सरकारी भवन है उसमें चलाने का व्यवस्था करा रहे हैं। हर पंचायत में एक एग्जीक्यूटिव दिए हुए हैं। ग्राम सभा के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा बता रहे हैं कि ग्राम सभा में जो जन जागरूकता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे स्टॉल हम लोगों ने लगाए हैं, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे जो हम ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे, ये जो पेंटिंग है, आप ये पेंटिंग जरूर दिखाएं। इस पेंटिंग के का मकसद ये था हमारा कि लोकल जो हमारे आर्टिशियंस हैं उनके थ्रू हम लोकल लोगों को अवेयर करें। आप देखिए कि ऊपर में लोग जो पानी की बर्बादी किस प्रकार कर रहे हैं, लेकिन वही जो है आप थोड़ा ये अगर ये देखना चाहें नीचे तो यहाँ पे पानी जो है बंद करके दिखाया गया है कि आप पानी वेस्ट ना करें। सबसे ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप और लोगों को भी दिखाएं ताकि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो ये मैसेज लोगों तक जाए और ये सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मधुबनी जिले का 50 स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मैं इस अवसर पे सभी मधुबनी वासियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और आज सुबह से ही ये कार्यक्रम स्थापना दिवस का मनाया जा रहा है। सुबह बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई थी। इस वर्ष का जो स्थापना दिवस का थीम हम लोगों ने रखा है वो जल जीवन हरियाली अभियान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल और वृक्ष ये हमारे जीवन को आगे बनाए रखने के लिए बहुत ही प्रमुख स्तंभ हैं
और इनकी महत्ता को हम लोग सबको समझने की ज़रूरत है। बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान कई दिनों से कई वर्षों से चलाया जा रहा है और उसके तहत काफ़ी लोगों में जागरूकता भी हुई है। बहुत खुशी की बात है। आजकल हम लोग देखते हैं कि कार्यक्रम में जो पहले बुके वगैरह देके स्वागत किया जाता था, अभी प्रथा हो रही पौधा देके करें। कोई भी कार्यक्रम होता है किसी भी कैंपस में वृक्षारोपण लोग कराते हैं। बिहार शरीफ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर लोगों के एड्स के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। इस मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि अभी भी हमारे बीच एचआईवी का खतरा बना हुआ है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। राज्य सरकार ने एचआईवी मरीजों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराने की जानकारी दी, जहाँ संक्रमित व्यक्ति की जाँच पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। मना हुआ, इसे कम से कम जितनी गर्भवती माताएं, स्पेशल मैसेज आज के दिन के लिए, जितनी गर्भवती माताएं हैं उनका एचआईवी टेस्ट जरूर कराएं, जरूर कराएं, जरूर कराएं। गवर्नमेंट की तरफ से पीएससी लेवल पर भी इसकी व्यवस्था कर दी है, हर जगह किट भेजा हुआ है, कहीं नहीं दिक्कत है, इसलिए जांच जरूर कराएं और कुछ भी सस्पिशस हो तो बिहार शरीफ सदर अस्पताल दीजिए। फिर उनका हम लोग यहाँ भी जाँच कराएँगे, एलाइजा टेस्ट, एलाइजा फॉर एचआईवी, उसके अनुरूप जो पॉजिटिव निकलेगा। साथ ही साथ हम लोग कम से कम जितनी गर्भवती माताएँ स्पेशल। फिलहाल बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गौसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला।